तो कुरान में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भेड़िया हलाल है हराम, कुत्ता हलाल है हराम। नहीं नहीं वो बताइए आप, कुरान कुरान ही से बताएं। मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं सोने के बारे में अगर करें तो सोना हलाल है या हराम है कुरान में नहीं मिल रहा है। तो हम ये पूछते हैं कि अगर सारी चीज़ें कुरान में हैं तो ये सारी चीज़ें जो हिल्लत और हुरमत के ताल्लुक से अतराफ में हमारे हैं इनके बारे में क्या होते हैं कहाँ है। हराम और हलाल का जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने पास रखा था। हाँ तो वो बताएं। जैसा कि जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का वाक़या लिया था कि भाई आपने अपने ऊपर हराम किया, अल्लाह ने कहा कि तुम कौन होते हो अपने ऊपर शहद हराम करने वाले, इसे हमने हलाल किया। तो वैसे ही जब कुरान में है ही नहीं तो फिर आपने जैसा किया, कुरान में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ की तफसील नहीं है, हर चीज़ नहीं है उसमें, होना चाहिए ना, ऐसा कैसा कैसा हो जाए। आप बोलेंगे कि होगा, लाखों चीज़ें नहीं हैं उसमें, लाखों। अब मैं एक तरफ से अगर सवालात करते जाऊं तो अब नमाज तक साबित नहीं होती कैसे पढ़ा जाए। अभी हाथ मिलाते हैं हम लोग, कैसे कैसे सब ये क्यों कर रहे हैं आप, हाँ क्यों हाथ मिला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब। ये तो उसकी इल्लत अपने इस पे छोड़ी हुई है ना, आप जो है तो कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं छोड़ी हुई जो छूट गया है वो करना है, कहाँ है, ये भी तो शिर्क फिलूक में। जो कुरान में नहीं बताया है, कुरान में जो जिसका हुक्म नहीं है कुरान, जो कुरान में बताया गया वही करना है, यही है ना, इत्तबिउल्ला मा उहिया इलैया, जो कुरान में है वही सब करना है, उसके बाहर नहीं करना है कुछ। वही समझ। तो अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जी ये सब क्यों कर रहे हैं, जैसे हाथ मिलाना है, ये जो नमाजें जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ है ना ये सब। कुरान में कहाँ है, क्यों आप कर रहे हैं, नमाज क्यों पढ़ रहे हैं आप। नहीं नहीं कैसे कैसे पढ़ रहे हैं आप, कैसे पढ़ रहे हैं उसमें। अकीमुस सलात का मतलब ये है कमर हिलाना, कमर बराबर कमर हिलाते रहो, नहीं सलात रकातों का नहीं है ना। नहीं नहीं कौन सी नमाज में कितनी रकात, कितनी रकात पढ़ रहे हैं आप, नहीं पढ़ना चाहिए तो क्यों क्यों पढ़ रहे हैं उसको, क्यों पढ़ रहे हैं। मुझे बता रहा हूँ, मुझे बता रहा हूँ कि ये जैसा हमको जो इश्काल थे जी, वो इश्काल हम पूछ नहीं पाए। जैसा हमारे सवाल का जवाब दीजिए आप, हमारे ऊपर सवाल ज़्यादा नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, हमारी बात जो है हमारा मुख्तसर, हमारे कुछ मतलब चंद सवाल आते हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा। देखो नहीं वही आप पूछ रहे हैं, सोना नहीं, एक मिनट जी, सोना हलाल है या हराम है, बराबर है, हदीस में है कि हराम है, कुरान में वो चीज़ नहीं है हिल्लत और हुरमत के बारे में। तो हम ये पूछेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान में नहीं है मगर उसकी हिल्लत और हुरमत नबी से साबित है, हम मानते हैं उसको। अब ये पता चले हम भेड़िया खाएं या ना खाएं, कुत्ता खाना हलाल है क्या हराम है, मुर्गी खाना हलाल है या हराम है, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे साबित करेंगे। ये सवाल कर सकता है आदमी कि भाई आप एक सवाल कर रहे हैं सोना हलाल है या हराम है और कुरान में नहीं है इस वजह से हम इसको नहीं मानते, तो ये हम क्या करें, इसके लिए क्या करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना सूरह हक्का में कि अल्लाह अगर मेरा नबी भी अगर अपने तरफ से कुछ चीज़ जो है तो घड़ ले तो हम उसका दायनात पकड़ेंगे, उसको शायद आपको काट देंगे। और हमें अपनी तरफ से नहीं गढ़ करके बयान कर सकता, मैंने कहा नहीं कि उसके ऊपर जो कुछ होता है वो वही आती है उसके ऊपर। एक मैंने बताया तो 250 साल के बाद का जो मतलब जो वक्फा हुआ है मतलब वही आती थी, तो फिर इमाम बुखारी को क्या ज़रूरत पड़ी उन्होंने दो रकात नमाज पढ़ने की, गुसल करके नमाज पढ़ते थे, फिर उसको अपने हिसाब से उन्होंने ये हदीसों को सही कहा है उन्होंने। देखिए वो वजू करते थे या वो नहाते थे क्या करते तो उससे हमें बहस नहीं है, उनके तमीज में है ना सब पूरा टोटल, वो उनका अमल है अपना, उन्होंने जो हदीस पेश की है हदीस उनका क्या अमल रहा है हम नहीं जानते। उन्होंने लिए ना वो उनके तरफ मंसूब कर दिया ना भाई, जो चीज़ है नहीं है तो उनके तरफ मंसूब कर दिया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान के अलावा कुछ नहीं कह सकते थे उन्होंने,
जो हुक्म है कुरान में तो वही कह सकते थे। नहीं, आपने वहाँ बैठ करके जो कुछ सुना आपकी समझ में एक लफ्ज़ नहीं आया कि कुरान जो होता है, नबी जो होता है, वही उसी की तफसील करता है और तफसील में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो उसी से मुंसलिक रहती हैं। कुरान में होना चाहिए फिर उसकी तशरीह और तफसील नबी ने करना चाहिए, ये हमारा मतलब एक हमारी सोच है, ये हमारा व्यू है कि भाई कुरान में उसके उसका मिलना चाहिए जिक्र और फिर उसको जो है तो नबी ने बराबर हू बहू उसकी तफसील करना चाहिए। ऐसे लाखों चीज़ें अगर खाली जानवरों के नाम खाली लिखे जाते तो कुरान से बड़ी किताब तैयार हो जाती, तो बायोलॉजी की किताब हो जाती। खाली नमाज के बारे में अगर बयान करता कि नमाज इस तरह पढ़ी जाए तो पूरा कुरान बढ़ी, इससे मोटी मोटी किताबें लिखी गई। तो कुरान कुरान उसूली किताब ना हर चीज़ पर खादिर, उसको क्या करना था उसने बता दिया। एक इतनी ही किताब में 30 पारे में 114 सूरे में उसने सब बता दिया कि आपको क्या ज़िंदगी गुजारना है। शेख ने भी परसों बीच में आए थे मतलब कुरान के ताल्लुक से, इतना मतलब जामे अंदाज से भी उन्होंने अच्छा बयान किए थे, हर चीज़ उसमें है। तो फिर क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आप नमाज पढ़ करके खाली बता दो कुरान के तरीके पर, कुछ हम जान नहीं कहीं, आप नमाज पढ़ के बता दो कुरान के तरीके, साबित करो, मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं। पुरानी नमाज पढ़ी रहे हैं, ज़कात किस तरह देना है? ज़कात बिल गैर हिसाब हम देते हैं, अल्लाह के राह में लुटाते हैं अपनी मर्जी से, तो कहीं से है? नहीं नहीं नहीं, ये आप अपनी अपनी तरफ से कर रहे हो तो कुरान की तरफ से। अल्लाह ताला बताए कि जितना अपनी जरूरत का है रख लो, कहाँ बात का दे दो, कहाँ है, कहाँ भी लोग कहते हैं कि तुमसे माल कैसा खर्च करे, माल कैसा खर्च करे, माल तो अल्लाह। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए जो बाकी होता है आप सब दे देते हैं, जो बचता है सब। नहीं तो वैसा नहीं है ना, तो सहाबा कराम अफ़ में और ज़कात में फ़र्क है कि नहीं? जी ज़कात में और अफ़ में फ़र्क है कि नहीं? ज़कात में तो अफ़, ये जो हजरत फरमा रहे हैं आप कह दीजिए कि जो बाकी बचे सब दे दो, फिर ज़कात का क्या मतलब है? ज़कात और अफ़ दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? तो देना मतलब जैसे सालिहीन को और मांगने वालों को, रिश्तेदारों को, सबको दे के भी अल्लाह का हुक्म है कि भाई जैसा जिहाद में भी दो तो हमको मिलता नहीं है। नहीं, अफ़ में और ज़कात में फ़र्क नहीं है, जो बाकी बचे सब दे दो फिर ज़कात। तो ज़कात तो उसका 2.5% होने की वजह से तो आप ये सवाल कर रहे हैं ना, 2.5% हदीस में बताया करके आप ये सवाल कर रहे हैं। अगर 2.5% नहीं बताया जाता तो आप भी ये सवाल नहीं करते थे शेख। तो ऐसा कि अल्लाह तबारक तआला ने क्यों नहीं किया कि काबे की छत पर कुरान को ला करके डाल देता और लोगों से कह देता कि जाओ अपना अपना समझ लो, रसूल की जरूरत ही नहीं, उसकी मर्जी है। ये ऐसा सवाल तो हम कर ही नहीं सकते उससे, तो ऐसा सवाल करना भी ये सब मुकाबरा है। एक चीज नहीं माननी है तो उसका कोई जवाब नहीं है, मानने का इतना सिर्फ कहते आप सिर्फ नमाज पढ़ करके बता दो या हज करके बता दो कुरान से। हज कुरान फराइज है ना? क्या फराइज? सिर्फ हुक्म है ना, उसमें तो तरीका नहीं है, तो हुक्म पर कैसे अमल करेंगे भाई? हर चीज सुन्नत है शेख, ये हमारे पास नबी की जो जितनी सीरत है वो पूरी सुन्नत ही है ना, हम मान रहे सुन्नत। तो हमारा मकसद ये नहीं कि पूरी हदीस से टोटल भाई, जो सही हदीस भी अगर जो कुरान से टकराती है हमारा समझ में आ रहा है कि भाई उसको नहीं लेना चाहिए। एक हमारा एक यानी हदीस मानते हैं आप हो ना, तो भाई जो तो भाई झगड़ा काहे को है? तो फिर सही जो है वो जब आप मान रहे हैं, मान रहे हैं तो क्यों भाई, अभी तो कह रहे हैं आप मान नहीं रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं, कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं, लगा इनको ऐसा कि आप अहले हदीस नहीं है, अहले कुरान है। मुझे अहले कुरान तो हमने तो किसी को मिले भी नहीं, कह रहे हदीस है वो नजरिए से उन्होंने क्या बात कर रहे हैं, हदीस में लफ्ज कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमारे उसके उससे क्या लेना देना है? लोगों ने कुफ्र के फतवा लगाए, अभी गौरबा अहले हदीस ने जमीयत अहले हदीस को कुफ्र का फतवा लगाए वाले है, क्या करेंगे इन्हों मानते क्या उसको? फिर भाई फतवा अगर लगे तो छोड़ो ना, इसको छोड़ दो, मुनकरीन हदीस गौरबा अहले हदीस ने मुनकरीन हदीस अहले हदीस को बोले, मेरे पास पर्चा है उसका। चलो छोड़ो, कौन ऐसा क्या बोलता है उस पर अपने को बहस नहीं, हमारे भी कोई ना कई गलतियां, हमारे भी जो है तो हदीसों को देखो आप कि हमारे क्या क्या नहीं मान रहे। बोलिए, पहले हदीस और सुन्नत में फर्क बताए। हदीस और सुन्नत का फ़र्क यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये सुन्नत है और उसके जानने का तरीक़ा हदीस है। जैसे बुखार को आप कहाँ दिखाएंगे? बदन के अंदर दिखाएंगे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल किया, वही हाँ तो इसको सुन्नत ही समझा रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात या 8 रकात या जितना भी तहज्जुद पढ़ा, आप हदीसी के अंदर देखेंगे ना,
अभी अपना अमल सुन्नत नहीं 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 सुन अरे भाई अमल सुन्नत माने अमल हाँ, ये अमल कहाँ दिखाएंगे आप तरीका अमल कहाँ दिखाएंगे आप आपने करके बताया हदीस में है ना हदीस में दिखाएंगे वो अमल साहबा ने देखा आपको करते हुए हाँ वो हदीस उसको क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे हदीस ही तो कहेंगे हदीस ही तो कहेंगे जिसको साहबा ने बयान किया साहबा ने देखा उसको क्या नहीं नहीं अब देखो यहाँ पर अभी जो है साहबा ने देखा क्या कहेंगे तब क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे अमल की नकल अलग चीज हो रही है और नहीं नहीं तो उसको कुछ नाम देंगे आप आ रही है तरीका अमल हाँ तो तरीका अमल कहाँ दिखाएंगे आप हदीस ही में तो ये बयानी अल्फाज नहीं चल रहे हैं यहाँ पर अभी जो है तो नकल चल रही है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफूलियदैन किया जो है आप जो बताए रफूलियदैन किया अब इसको कहाँ देखेंगे हदीस में देखेंगे तो गोया कि सुन्नत को देखने के लिए हदीस जरिया है वकी और कहाँ देखेंगे सुन्नत को और कहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह के हबीब का अमल अमल और उसको और हदीस जो है अल्लाह के हबीब का कौल कौल नहीं कौल भी और तरीका भी सब उसी हदीस में मिलेगा आपको वो काम ही नहीं है अब जैसे नबी के अब आगे ना बात वो कहाँ मिलेंगे हदीस में कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेगी हदीस कहाँ मिलेगी सवाल किताबों में मिलेगी हदीस कौन है मिलेगा क्या जी हदीस कौन है मुत्तफिक हो हदीस तभी ये हदीस में बाबा ही उम्मीद हो अगर नहीं मम्मी यू का चुप यहाँ का हदीस कह दो इनसे क्या छोड़ दो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और उनको जो इस हदीस को छुटलाते हैं हदीस और भी माना इस्तेमाल होते हैं ना थे मैशतरी लहव हदीस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लहव गलत हदीस खरीदते हैं हदीस अच्छे भी माने अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या फरमाया अल्लाह के फ़िन खैर अल हदीस की किताब कुरान की बात कर रहे हैं हदीस माने क्या होता है वहाँ क्या कहा गया हदीस माने अल्लाह की किताब फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह हदीस माने क्या अल्लाह की किताब कुरान को हदीस कहा है ना अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ेगा एक किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत मानते हैं नहीं 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 मैं कहता हूँ मानते हैं नहीं नहीं मैं क्या कह रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ मानते हैं हमारे रुखा जो है उसी पे अड़े हुए हैं कि मुनकिर हदीस हो गए हम तो शुरू में एक ऐसा सवाल है अपना सर भाई बात वो नहीं है आप जो शेख आपको नहीं मालूम यहाँ पर जो है ना दो 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 जुमा हमारे वास्ते जो है तो मुनकिर हदीस बयान हुए ईद के दिन दुआ हुई समझेगी नहीं सही है बात हाँ कोई ऐसा समझाया नहीं कि भाई चलो भाई बैठो तुम अपने अपने तौर पे ग्रुप बना के नहीं हैदर भाई इससे पहले सब चला गया बैठा जा चुका है नहीं 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 ओ अजहर भाई आप ये जो बोल रहे हैं ना समझाया नहीं गया ये तो मैं खुद इस बात के यही पर अपने बैठे थे जुमा के बाद से लेकर आप हम हदीस को टोटल इनकार कर देंगे आप देखो कि हमारा क्या मंशा है आप ये देखो पहले हम क्या कहना नहीं, नहीं तो आप ये दिखाएं कि आप कौन कौन सी हदीसों को मानते हैं हमने क्या गलत बोल दी भी हमने बताओ ना आप क्या आप कौन सी हदीस को मानते हैं कौन सी हदीस को नहीं मानते हैं हदीस के मुनकिर कौन नहीं है मुझे बताइए ना तकरीबन सब अपने अपने जगह पर कुछ कुछ लोगों के मुताबिक बिन बास को अल्बानी कहते हैं अल्बानी रहमतुल्लाह बिन बास को कहते हैं कि हाँ नासिरुद्दीन अल्बानी बिन बास कहते हैं कि समीउल्लाह उज़्ज़मन हमीदा के बाद हाथ बांधना जो है तो सुन्नत है और नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह उन्होंने कहते हैं बिदअतुल ज़लाला है अब ये दोनों भी एक दूसरे के हदीस जो है मुनकिर हदीस हो गए फिर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा हमारे जैसा देखिए 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 ये उलझावा है ये उलझावा नहीं 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 इसको समझो एक आदमी एक हदीस की तहकीक करता है उसके नजदीक वो तहकीक का अंदाज सही नहीं रहता है तो दूसरा मोदी से बोलता है तो उसको हाँ हाँ तो ये ऐसा कहिए ना कि आप हदीस को मानते हैं आप हदीस को मानते हैं तो जिन जिन अहादीस के ऊपर आपको शक है तो उन अहादीस के ऊपर आप देखिए तहकीक कीजिए जिन जिन अहादीस को आप मानते हैं
ठीक है, वो एक तरफ रखिए, जो जो अहादीस आपकी समझ में नहीं आ रही है उनके बारे में आप तहकीक करो बस, हमें इस पर वो नहीं है। हम बहुत सारी, जैसे हम रुयत हिलाल के कायल हैं, बहुत सारे अहले हदीस उसके कायल नहीं। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर एक दिन ईद हो और एक दिन जो है रोजा रखा जाए, मैं इस बात के कायल हूँ। बहुत सारे लोग इसके कायल नहीं, हम लोग कायल नहीं, बहुत सारे लोग इसका, ये लोग कायल नहीं, लेकिन मैं कायल हूँ। तो ये जो जुज़ी इख्तलाफ है, ये जुज़ी इख्तलाफ है, ये मेरा इस्तिशार है। तो हमको पूछा नहीं गया कि तुम्हारा जुज़ी इख्तलाफ है क्या है, भाई तो पूछ रहे हैं ना, वही पूछ रहे हैं ना, ले इसी बात को साबित कर दिया जाए कि भाई तो पहले ये तय हुआ कि हदीस को मानते हैं, हदीस का इनकार नहीं है, वो बात खत्म हो गई। हदीस जो कुरान से नहीं टकराती है हम उसको बराबर ले लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो कुरान अल्लाह बड़ा सूरह निसा में 175 आयत जी, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह के साथ और इन्होंने मजबूत पकड़ा इसको, इसको कुरान को, तो यहाँ जो दो अल्फाज हमारे पास हदीस में बताए गए कि दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और हदीस, इसे मजबूती से थामे रखो और तुम गुमराह नहीं होंगे, हमने बारहा सुना है। तो अब हमको ये लग रहा है कि भाई यहाँ अल्लाह की आयत है, अल्लाह बोल रहा है इसको मजबूती से पकड़ो तो वो जरूर दाखिल करेगा इनको अपने रहमत में, अपने फजल में, और बतला देगा इनको अपने तक पहुंचने का सीधा रास्ता। तो कुरान अल्लाह बोल रहा है कुरान को ही मजबूती से पकड़ो, ही कहां से लाए कुरान को, ही क्या अल्लाह कुरान की आयत पढ़ेंगे उसमें देखिए ना क्या है, देखिए आप निकालिए जिनसे भी नहीं लाया ना, नहीं आप दिखाइए वो ही जो आपने बढ़ाया है वो दिखाइए, दिखाइए ये लफ्ज़ उसमें कुरान मैंने माना उसमें से निकाला मैंने। नंबर बोलिए, आयत का नंबर बोलिए तो, कौन सी कौन सी सूरत की, सूरह निसा आयत नंबर 175 निकालिए। तो ऐसे कई आयत है जो अल्लाह ताला बोल रहा है आप जो है तो कुरान को ही उसमें देखो, ये थोड़ा सा हमको मतलब टकराव लग गया हदीस में, तो ऐसा आ रहा है इसमें, ऐसा आ रहा है ये आदमी का जहन है थोड़ा, तो उतने आए थे हमने नोट करें इसको। ठीक है यार, ही मतलब कुरान को मजबूत पकड़ो। हाँ, तो कुरान को मजबूती से पकड़ो, कुरान को मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब है, कुरान को मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब, इसी को फॉलो करो, इसी को फॉलो करो, ये कहाँ इनकार है इसका, वो तुम्हें बतला देगा अपने तक, वो अपने रहमत पे दाखिल करेगा, अपने फजल पे दाखिल करेगा, ठीक है ना, वो आगे का नहीं छोड़ो, वो ठीक है, हमको क्या चाहिए अल्लाह तक पहुँचना, नहीं ठीक है, आप सुनो ना, इंसान चाह रहा है अल्लाह तक पहुँचने का, अरे बात तो सुनो अज़र भाई, आप तर्जुमा आप क्या कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं ना आप तर्जुमा, ही आपने बढ़ा दिया, मतलब मेरे बोलने में आया, और इन किताबों के अंदर वही गिरफ्त हमारे उलमा ने क्या की है कि जहाँ ही नहीं है वहाँ ही बढ़ा करके अपना ही बढ़ा करके मफहूम बदल जाता है ना, ही नहीं लिखा शरीफ में, लेकिन मेरे बोलने में आ गया वो, यहाँ इसमें नहीं लिखा, चलो अब क्या तर्जुमा करेंगे, अब आप बोलो, तर्जुमा लिखा हुआ है वो मैं नहीं कर सकता तर्जुमा, मैंने हु बहु ये लफ्ज़ बलफ़्ज़ कमाने का तर्जुमा, आप तर्जुमा बताइए, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए जी और उन्होंने उसको मजबूती से पकड़ा, उसको मजबूती से पकड़ा किसको, अल्लाह को, कैसे देखो, कैसे अल्लाह को मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब, अल्लाह को मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब हुआ, अब बोलता हूँ मैं कि कुरान की एक आयत, जैसे कि इसमें ये आयत होती है एक मुहकम और एक होती है मुतशाबे, मानते हैं, तो कोई आयत अगर मुतशाबे है तो उसको समझने के लिए किस तरफ फेरा जाए, उसको मोहकम की तरफ, अब फेरिए इसको मोहकम की तरफ, आपको मालूम है मोहकम आयत कौन सी है इसकी, आप क्यों बहस कर रहे हैं सर भाई, जब आपको कुरान हकीम के ऊपर दर्द नहीं है तो आप आधा, मैं मोहकम बता रहा हूँ ना आपको, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आधा तीतर आधा बटेर मत रहिए,
जब आपको ये मालूम है कि ये आयत मुतशा अल्लाह मियाँ को पकड़ने का अल्लाह तबारक तआला का एहतिसाम समझते हैं, किसको बोलते हैं एहतिसाम, ऐसे मजबूती से पकड़ने को बोलते हैं एहतिसाम, मजबूती से पकड़ने को। अल्लाह को कैसे मजबूती से आप पकड़ेंगे, इसका मतलब है कि मुतशाबे आयत है ये, मुतशाबे आयत है। अब मुतशाबे आयत को समझने के लिए कहाँ जाएंगे हम, मोहकम की तरफ। अब मैं मोहकम बोलता हूँ इसी यही है मोहकम, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ मोहकम कहाँ है, इसी के पीछे नहीं नहीं इधर है, ये देखिए हाँ मैं देख लेता हूँ, ये देखिए ये यहाँ है, ये मोहकम आयत है कि अल्लाह को पकड़ने का मतलब है अल्लाह की रस्सी को सब मिल करके मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी क्या है, कुरान खाली है, रस्सी बट करके बताइए आप, जरा रस्सी बट कर बताइए आप, रस्सी बट करके आप बताओ रस्सी किसको बोलते हैं, आप रस्सी बट करके बताइए। रस्सी एक लड़ी को नहीं बोलते हैं, रस्सी ऐसे बोलते हैं, ये रस्सी ऐसे बन ली जाती है, एक लड़ी ये है और एक लड़ी है, अब ये रस्सी बनती है, ये किताब सुन्नत का नाम है आप, ये इसको रस्सी बोलते हैं, रस्सी इसको नहीं बोलते हैं। इसी वजह से कहा गया अतीउल्लाह के बाद वातीउर रसूल, और जो वाव तफसीरी लिखा है नहव की, किसी किताब में आप नहीं दिखा सकते, कोई नहवी नहीं बता सकता कि अतीउल्लाह के बाद वातीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की यानी इताअत करो अल्लाह की, यानी बैठो कुर्सी पर यानी बैठो पानी पर, यानी बैठो कुर्सी पर यानी बैठो पानी पर। अरे शेख उससे पहले मुहकम आयत आप ये भी पढ़ दीजिए ना, कई बता तुम्हारे दरमियान रसूल है। अच्छा अब उसके आगे वमयातसिम बिल्लाह फकत हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम, जी अब ये देखो तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद है, रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। रसूल क्या करते हैं, रसूल जो है तो कुरान पढ़ के सुना रहा है, कुरान के अहकाम बता रहा है, उस पर अमल कर रहा है और अमल की दावत दे रहा है रसूल। अच्छा तो इन आयात के ऊपर अमल कैसे किया आपने, कहा है वो है? अमल किया आपने, कहा है वो, कहा है वो, तो उस पर अमल किए उन्होंने, कुरान पे अमल किए ना। अमल किसके लिए किया, अपने लिए कि आप आए थे दुनिया को बताने के लिए, अमल वो अमल किधर है तो बताए ना भाई। क्यों अजहर भाई क्यों जिद कर रहे हैं आप, भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो अमल किधर है भाई, वो अमल किधर है, वो अमल बताइए ना, आप कह रहे हैं अमल करके बताइए, कहाँ है वो अमल, कहाँ है वो हुक्म है ना अल्लाह का, भाई आप अमल करके बता दो, अल्लाह के रसूल ने अमल करके बता, कहाँ है वो अमल, कहाँ है वो अमल, कहाँ है कुरान से जो भी हुक्म आया वैसा अमल किया आपने, तो कहाँ मिलेगा वो हमको वो अमल, मैंने आपको बताया ना कि भाई जो हदीस में आया है सही में। अब देखो अब हदीस आप मान रहे हैं, अब ये बोलो तो पहले भी मान रहे ना, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, पूरे हदीस मान रहे हैं, इससे उनका कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो बातें कुरान से टकरा रही जो हदीस, जैसा मिसाल के तौर पर सोने की अंगूठी, अगर हम इसको ले लेंगे तो हम अल्लाह के आयतों का भी इनकार हो जा रहा, पूरा है इनकार नहीं कर रहे वो, तो इतना इतना मान लिया जाए, इतना मान लिया भाई हदीसों को मानते हैं बस, इतना ये मसला रह गया कि भाई जो कुरान से टकरा रही हैं, जो कुरान से टकरा रही हैं, टकराना किसको बोलते हैं, मतलब एकदम उसका जो है तो मफहूम पूरा अलग हो जा रहा है, जैसे मैंने बताया भाई सोने का जैसे मसला आया इसमें, टकराना किसको है नहीं ना अंदर सोने का, टकराना किसको बोलते हैं, अभी जैसा दज्जाल का मसला है। अब देख आप दूसरी तरफ मत जाओ, पहले एक तरफ जाओ, टकराने का क्या मतलब है, ये पानी है ये आग है, ये दोनों टकरा गए। अब ये पहले बताइए कि कुरान में कहां सोने के बारे में क्या है, अल्लाह तो है नहीं ना कुरान में, आप अगर ये लोग के ताल्लुक से जो कह रहे हैं इन्होंने बकवास इनके कि मुझे मुनकिर कहा जा रहा है, नहीं तो गलत है, अगर ये नहीं मान रहे हैं उसको तो मुनकिर हदीस कहना गलत है ना, मेरी बात सुनिए, गलत है जब आपसे उन्होंने जब लाजवाब हो जाते हैं और होने ही क्योंकि आप इल्म वाले हैं, आपका अलग नजरिया है, तो उसकी सनद ये मिल जाएगी कि ये लोग क्या बोलेंगे, मुझे मुझे देखे और कोई ऐसा टुटपुजिया यहाँ का है अजहर भाई के अलावा कोई और होता तो हम आते भी नहीं, हाँ ये इसके बानी है, इतनी मेहनत है इनकी, यही बुलाते बुलाते थे हमको, हम आज पहली दफा आ रहे हैं बुनियाद पर आए, इससे जो मोहब्बत है उस बुनियाद पर, इससे हम नहीं आते, बताते मोहब्बत है इसकी बुनियाद पर हम लोग आए हैं, अजहर भाई सब कुछ करने वाले आप, बस और कोई बात, पूरी जमात रो रही है, पूरी जमात उसमें परेशान है, सही बात है,
ये अजहर भाई को कोई निशाना नहीं बना रहे हो? अरे यही बुलाते थे भाई हमको, यही आए हैं हम लोग आज तक, यही बोलते हैं कि पूरी कुर्बानी कितनी मेहनत की है। अब ये नया मसला कहाँ से निकालिए समझ में नहीं आता है। काल अल्लाह काल रसूल की आवाज बुलंद करने वाला आदमी है। मैं ये कहता हूँ ठीक है चलिए हदीस मानते हैं, मुनकिरीन हदीस कोई नहीं कहेगा, कोई कहने वाला है, बस हो गया हदीस मानते। जो टकरा रही है कुरान से, अब वो टकराना आप देख लीजिए, टकराने का मतलब समझ लीजिए कि मैंने ये बताया भी कि देखो एक चीज यहां से यहां टकरा रही है, तो टकराने का मतलब टकराने के बाद सॉल्यूशन है कि नहीं वो देखना है। अगर आपके उसमें ऐसा लग रहा है तो आप तहकीक करें कि टकरा रही है, टकराने के बाद मसला नहीं मिला तो छोड़ दीजिए उसको, जो जो नहीं टकरा रही उसको मानिए। अब जैसा मेराज का वाक्य है, मेराज के वाक्य में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम में दिखाया गया कि लोग कौन है जी, उनको अजाब होते हुए जी जी। अब उसमें समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई अभी तो कुछ हिसाब किताब भी नहीं हुआ, तो वो लोग कौन है? उनको जो है तो अल्लाह के रसूल ने यानी कि अल्लाह ने वैसे पैदा कर दिया और आजाब दे के बता रहा है कि ये झूठ बोलते थे या गिबत करते थे, ये जानी थे जो भी है अजाब होते हुए नहीं पता। मैं एक बात बोलता हूँ, ये भी कुरान ही के मुताबिक है, सूदखोर के बारे में उसमें दिया है कि वो पेट में आग जो है माले हराम खा रहे हैं और उसमें ये दिखाया गया जहन्नम में मेरा किरा। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा किया गया, कहा गया कि इन्नल लदीन याकुलूना मुआललतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीमों का माल नाजायज खाते हैं वो अपने पेट में आग खाते हैं। आग कौन खाता है? अब इस आयत करीमा की शरह आपको डेमो करके नहीं दिखाता यार, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले उसका एक ट्रेलर दिखाया जाता है, चंद लोग देख लेते हैं। अगर अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी को सूदखोरों का अंजाम का एक मंजर दिखा दे जहन्नम के अंदर, क्या इस्तेहाल है? कौन सी ऐसे टकराव है? हम बताया शेर अल्लाह के, अल्लाह ने जैसा अल्लाह के रसूल को कुरान में, लेकिन यहाँ बताया नहीं गया सजा क्या है, सजा नहीं बताया का उसलूब है ये, एक उसलूब है। सूदखोरों को क्या सजा होती है? खामखा कैसा उनको सजा दी थी अल्लाह ताला ने, ये तो उसकी सुन्नत है ही नहीं। जब दुनिया में इंसान पैदा होता है तो अल्लाह बोलता है कि मैं उसकी जान से ज्यादा तकलीफ उसको नहीं देता हूँ, वो मतलब खामखा इंसान बना देगा और अल्लाह रसूल को बताने के लिए एक इंसान को बना के और जो आजाब दे देगा क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जितने बड़े बड़े गुनाह थे जो ख़ास तौर से जिनको मुबिकात कहा जाता है, बड़े बड़े अदाबार, जैसे जिना है, इसी तरीके से सूदखोरी है, इसी तरीके से बुत परस्ती है, आप देखें शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर एक मंज़र दिखा दिया जाए कि भाई इन इन लोगों के साथ जो पहले खाने काबा में या अरब में बुत परस्ती लाया, उसको आपने देखा कि जहन्नम के अंदर अंतड़ियाँ घसीट रहा है, बराबर है, लेकिन दर हकीकत वो एक मंजर था जो आपको दिखाया गया कि ऐसी सज़ा इनको आगे मिलने वाली है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास इसलिए बुलाया गया था ताकि कुरान हकीम ने खुद कहा लिनुरियहु मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम आपको अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं। अब निशानियाँ दिखाने के बाद जो बड़े बड़े गुनाह थे उनका एक डेमो ऐसे दिखाया गया आलम मिसाल में, ताकि आप जा करके लोगों को ये बताएं कि भाई वहाँ मैं देख करके आया हूँ किस तरीके का मामला है। अल्लाह तबारक व ताला जब कहे हम अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाने के लिए बुला रहे हैं, ले माने लिए, इसलिए कि हम बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं, अगर अल्लाह खुद कहे कि हम बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखा रहे हैं अगर दिखा दे तो सुन्नत है ना, आयत है, आयत है, आपको सही है, नूरी हुआ इंसान को नहीं नहीं आप कभी खामखा उसको अजाब दे ये कह रहा हूँ, खामखा नहीं दे रहा है, खामखा नहीं दे रहा है, खामखा नहीं है, खामखा नहीं है। अच्छा आप ये बताइए फिर वो जो लोगों को अजब अजब जानने रसीद हो चुकी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, एक मंजर दिखाया गया है वो, इसलिए कि वो मोजजा है, वो मोजजा है, वो मंजर है, वो समझ में नहीं आ रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती हैं। अब अल्लाह तबारक ताला का हाथ है, आप बता सकते हैं कैसा है? कुरान में है ना, कुरान में है, पैर है, हाथ है, सारी चीजें, लेकिन आप नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, आप उसको वाजे नहीं कर सकते, आप तो आप नहीं मानेंगे कोई चीज ना समझ में आए तो नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई खामखा अजाब कैसा हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं ना सर, सिर्फ वही एक बात नहीं है जो समझ में। अच्छा ये खामखा अजाब इनको क्यों हो रहा है, देखिए ये खामखा अजाब इनको क्यों दिया जा रहा है, आप खुद पढ़ लीजिए एक मिनट, नहीं 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 ये मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, जी
आप तर्जुमा पढ़े यहाँ से, ये यहाँ से, यहीं से कहीं से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए। हाँ नहीं, जोर से पढ़िए, जिनको ईंधन हो गया। हाँ इसमें बारह होने वाले अब यहाँ है तुम, ये तुम और जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह को छोड़ करके, सब जहन्नम का ईंधन है। तो ये पत्थर भी वहां है, पत्थर भी जाएंगे, पत्थरों की क्या खता है, पत्थरों की क्या खता है पत्थर। अच्छा, मरने के बाद हम किसी की पूजा करने लगे, उस आदमी ने कहा था कि हमारी पूजा करो भाई, पत्थर पत्थर इसने कहा था कि हमारी पूजा करो, ये क्यों गया जहन्नम में? उसमें तो माँ है, माँ जितनी भी चीजों की तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, सबके सब जहन्नम का ईंधन है। चंद लोगों का इस्तिस्ना है, जैसे अंबिया है या जिन लोगों ने इसको मना किया, जिससे रोका, उन लोगों को वो कर दिया जाएगा। मेरी मुराद इंसानों से थी, तो इंसान क्यों भाई, वो तो बेजबान है बेचारा, वो तो बेजबान है, उसको सजा क्यों? कुरान में है पत्थर पत्थर है, पर नहीं नहीं पत्थर 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 कैसे, पत्थर पत्थर नहीं है, पत्थर पत्थर नहीं है, अब ये पत्थर पत्थर नहीं है, अब ये पढ़िए, ये पत्थर क्यों है, पत्थर पत्थर नहीं है। जी ये पढ़िए, पत्थर पत्थर नहीं है। फिर हो गए तुम्हारे दिल बादिश के, है वो मानिंद पत्थरों के, मानिंद पत्थरों के हो गए वो। अच्छा, बल्कि उनसे भी ज्यादा सब तहकीक के कुछ पत्थर, वो है हाँ, उनसे फूट पड़ती है नहरें, और बिलाशुबा कुछ उनमें से वो है कि फट पड़ते हैं, हाँ निकलता है उनसे पानी, और तहकीक के कुछ उनमें से ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं, अल्लाह के डर से। तो अल्लाह का डर बोले तो अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से गिर पड़ते पत्थर। हर चीज एहसास रखती है दुनिया, कैसे समझ में आया, कायनात की हर शय एहसास रखती है, जज्बा रखती है। तो कायनात के होता, अगर हम कुरान पहाड़ पे उतारते तो रेजा रेजा हो जाता। तो ये पहाड़ पहाड़ खशियत से, अल्लाह की खशियत से डर रहा है ना, डर रहा है ना, तो उसको अजाब क्यों, क्यों 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 दे रहा है उसको बिला वजह, क्यों अजाब दे रहा है, अजाब क्यों, अजाब ही बात है, डर रहा है वो, अजाब फिर भी डर रहा है, पहाड़ी को भी डर है, अल्लाह का खशियत है, फिर उसके बाद भी अजाब दे रहा है। मिन खशियत इल्लाह, अल्लाह के डर से गिर जा रहा हूँ, यानी अल्लाह का डर है, पूरे कायनात पे उसका, और हर चीज तस्बीह बयान कर रही है अल्लाह तबारक तआला की, और हर 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 एक चीज नमाज पढ़ रही है, मालूम है ना कुरान में ये भी, हर चीज नमाज पढ़ रही है ना, तस्बीह करती है हर चीज, नमाज नमाज के बारे में बोल रहा हूँ, नमाज पढ़ती है हर चीज ना, है ये लफ्ज नमाज, हर चीज तस्बीह भी पढ़ती है, नमाज भी पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, ये भी है नमाज भी पढ़ती है। ये रहा, जी बेशक अल्लाह तस्बीह करता है उसके लिए, बेशक अल्लाह तस्बीह करता है उसके लिए हर कोई जो आसमानों में है और जमीन में और परिंदे पर फैलाए हुए हैं, हर एक मखलूक ने यकीनन जान लिया है अपनी नमाज और अपनी तस्बीह। नहीं आप कैसे, नमाज है, नमाज है, नमाज है माँ, आप इबादत कैसे बोल रहे हैं, इबादत कैसे बोल रहे हैं आप, नमाज है वो, जाने दीजिए वो नमाज ही इबादत बोल रहे हैं, कुरान के लफ्ज में नमाज है, वो ब्रैकेट नहीं मानते, वो ब्रैकेट वगैरह वो तशरीह के लिए, तो अब ये ठहरा कि जो चीजें समझ में नहीं आ रही अब उसके बारे में तहकीक कीजिए, आपको कौन कौन सी चीजें आपके अक्ल के खिलाफ लग रही हैं तो उनके बारे में आप तहकीक कीजिए, और अगर समझ, अच्छा टकराव का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में से टकरा जाए, सॉल्यूशन ना हो, नहीं तो कुरान हकीम में बहुत सारी ऐसे आयतें हैं ऐसी जो आपस में टकरा रही हैं लेकिन सॉल्यूशन है, ज़्यादा तारुज नहीं हो,
तारुफ नहीं। अब इसको दज्जाल का जो है अल्लाह की सिफतें उसमें नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हदीस में ये नहीं 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 नहीं, आपने वो हदीस को पढ़ा नहीं, वो हदीस को पढ़ा नहीं आपने अभी। उस पर जो कैसेट आई है किस पर तफसीर सूरह कैफ सुना आपने जी, दज्जाल के ऊपर एक बहस है, उसमें ये है कि जैसे ये शोबदाबाजी दिखाते हैं ना, कोई वो कहेगा अगर तुम मुर्दों को जिंदा कर दो, ये मेरे बाप की खबर है, अगर तुम जिंदा कर देते हो इसको तो मैं तुमको खुदा मान लूंगा। अब वो आता है और उसके बाद उसको जिंदा कर देता है, ये ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस में ये है कि वो जिंदा नहीं होता, बल्कि उसकी जगह एक शैतान आकर के या कुछ भी उसी की शक्ल का उसको दिखाई देता है, दर हकीकत वो जिंदा मुर्दा नहीं होता, मुर्दा जिंदा नहीं, मुर्दा जिंदा नहीं होता। बल्कि हदीस में ये अल्फाज हैं, नहीं 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 गलत है वो, बिल्कुल गलत है वो, गलत है वो, तहकीक नहीं कर सका वो, तहकीक नहीं कर सका वो। मैं तो पूरी हदीस पढ़ता हूँ, जिंदा करता है, आसमान से बारिश बरसाता है, जमीन में से आना चुकाते, ये तो अल्लाह की सिफत है, तो ये कैसे आ सकती है? नहीं नहीं वो सब शो बताओ, नहीं वो सही नहीं हो, बिल्कुल सही नहीं हो। अभी सनाउल्लाह मदनी साहब ने इससे पहले कहा यहाँ प्रोग्राम फर्स्ट उनका लेने से पहले उन्होंने बताया, तो आप बात हुई थी ना रूम में उसके बारे में, दुरूद शरीफ के बारे में उन्होंने कहा था कि एक फरिश्ता है वो रूह को लौटाता है, मतलब आपके आप जो दुरूद पढ़ते हैं वो सलाम आप तक पहुँचाता है, फलां फलां ने आपको पहुँचाया है वो दुरूद, फिर अल्लाह उनकी रूह को लौटाता है, फिर वो आपका जवाब भी देते हैं, तो फिर वो ये इतने सारे तो हर आदमी गलती कहाँ हो रही है? आलम बरज़ख को आप दुनिया के मामले में कयास कर रहे हैं, एक दूसरे आलम को आप दुनिया के मामले में, आलम बरज़ख जो है वो आलम बरज़ख एक अलग दुनिया है, वो अलग आलम है, वो एक अलग बरज़ख नहीं लाई उम्मीद, दुनिया की जिंदगी अलग है, दुनिया और आखिरत के बीच बीच का मामला है, और उसके बारे में जितना बता दिया गया है जितना, इसलिए कि हम जानने का कोई जरिया नहीं हमारे पास, जितना बता दिया कि चुपचाप मान लेना है, इसलिए कि हम जो है नहीं भी नहीं कर सकते, इसलिए कि बात कही गई है, और हाँ इसलिए करेंगे इसलिए कि सादिक ने खबर दी है, पता नहीं उसकी क्या कैफियत, कैफियत मालूम नहीं हो, बताया हदीस में तिर्मिजी हदीस को हवाला बताया, अब ठीक है ठीक है आप बोल रहे हैं ना, मानो एक मैं बोलता हूँ, आप हदीस में आप ये बोल रहे हैं ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन और आले फिरौन के बारे में कहा है कि इनको रोजाना आग पर पेश किया जाता है, है ना कुरान में, फिरौन की लाश तो हमें नजर आ रही है, हर कोई देख रहा है, कोई देख ही नहीं पा रहा है कि वो आग पर कैसे पेश किया जा रहा है, कुरान में है ये, एक दूसरा आलम पेश किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, उसकी कैफियत नहीं समझ पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे, देख अरे दिमाग का क्या है, अक्ल का क्या है, दिल का क्या है, तो कुछ मालूम ही नहीं है इंसान को, बहुत मामूली इल्म दिया गया है कुरान हकीम ने कहा, और मा उती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुमको इल्म बहुत मामूली दिया गया है। अब अल्लाह अब यहाँ आप बोल रहे कि आप यकीन नहीं कर सकते, आप उसको सोच नहीं सकते, हम उसको इदराक नहीं कर सकते, इदराक नहीं कर सकते, तो एक सवाल ये है कि भाई अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि शहीद को हम आप मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, वला तकुलु मन मुकल्लफिया को रिस्क देते हैं, वो आप नहीं जान सकते, आप वो उसको शव में रखते, हम कैसा उनको रिस्क पहुँचा, ये है। इसके बरक्स हदीस में ये है कि उसको जो है तो एक परिंदे की शक्ल दी वाली है, बरक्स कहाँ हुआ, वो बरक्स है, बरक्स नहीं हुआ, बरक्स कहाँ है, मेरी बात सुनिए ना, हाँ बोलो ना, तो वो है कि वो जाता है जब उसको भूख लगती है तो उड़ता है और जाता है खाता है और आता है, तो जब यहाँ अल्लाह बोला तुम जान नहीं सकते, तो हदीस में हमने कैसा उसको परिंदे की शक्ल देती है, उसको भूख लग रही है, हमने कैसा जान लिया, ये अल्लाह बोला तुम जान नहीं सकते, इदराक इदराक हदीस में कैसा हुआ, ये मेरा एक सवाल है, ये इसको इदराक कैसा हुआ ये हदीस में, यही चीज जो शेख जो बोल रहे हैं, अब देखिए अब यहाँ मामले मामले का जो बयान किया गया है मामला शुहदा का है, आम लोगों का नहीं है, वो रसूल ने उसको तफसील से बता दिया है, ये आम शुहदा का मामला है, ये आम लोगों का मामला नहीं है। हाँ तो शोधा का जी है ना, मैं क्या मरू शहीद का ही, मैं भी शहीद, ये तो बाकायदा उसमें असहाबे यासीन के बारे में पूरी तफसील है कि वो जन्नत में पहुंचने के बाद ऐसा ऐसा बोल रहा है ना, सूरह यासीन है ना, हाँ तो गया ना वो जन्नत में, जन्नत में गया ना वो, हाँ तो है ना कुरान में है ना वो कि वो जन्नत में गया, उन्हें उसने बोला कि भाई रसूल ने उसकी तफसील बयान कर दी, उनको कैसे लेकिन जिस्म तो यही है उसका डाल दिया जाए, जिस्म तो यही है उसका, हो गया उसको परिंदे के कालम में या किसी भी कालम में उसको रखा गया, बोल रहा है वो, नहीं नहीं जिनके बारे में, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि भाई बस उतने पर इक्तफा करना है हमको, हम अपनी अक्ल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते,
तो कुरान ने बताया तो वो वहाँ आप कुरान ने सिर्फ तफसील की उसकी, कह रहे हैं कि भाई हम उस पर अकल नहीं रखते तो हम वहाँ से आगे हम भाई नबी बता रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। हाँ तो हदीस अगर ज़ईफ साबित हो जाए तो नहीं मानेंगे, तो आप अगर सुनिए सुनिए अगर ज़ईफ साबित हो जाए तो नहीं मानेंगे, सनद से ही देखेंगे क्या उसको भाई, हम सनद से ही देखेंगे, सनद से भी देखेंगे लेकिन उसको मतलब कुरान से भी देखेंगे ना कि भाई इसमें कुछ टकराव है। हाँ हाँ वो टकराव पहले जाहिर किया जाए, टकराव क्या है उसमें, टकराव क्या है वो, अल्लाह बोल रहा है कि तुम जान नहीं सकते, तुम उसका शौर नहीं रखते। फिर हदीस में है कि वो परिंदे की शक्ल है, फिर वो जा रहा है, उड़ रहा है, खा रहा है, भूख लग रही तो आ रहा है, तो फिर इसको हमने एक शक्ल दे दी ना उसको, नहीं नहीं अल्लाह नहीं बोल रहा है तुम जान नहीं सकते, और हमने उसकी शक्ल दे दी। किसने बोला ये, किसने बोला ये, दोनों एक मिनट दोनों आयतों को आपने गड़बड़ कर दिया है। अब मैं दोनों आयतों अलग मकाम किया है, असल में अजहर भाई सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों को तंग कर रहे हैं, खाली तंग कर रहे हैं हम लोगों को, सब मालूम है इनको, मसला है समझ रहे, कुछ नहीं मसला है। ये देखिए आप, ये मसला रहा आपका कि वो शऊर नहीं रखते, बराबर है, कहाँ है ये, यहाँ है, वला किल्ला तशुरून कहाँ है ये, वला किल्ला तशुरून, जो अल्लाह की राह में मारे गए, देखिए कैद है इसकी, सब लोग नहीं, जो लोग अल्लाह के राह में मारे गए वो जिंदा है, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते उनकी जिंदगी का, बराबर, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, बराबर है, ये आयत, अब ये आयत मुतशाबे है, मुतशाबे मुहकम के ऊपर पेश करते हैं इसको, अब मैं इसे मुहकम के ऊपर पेश कर दे रहा हूं, लीजिए, कहाँ गया, असल में जिसमें हिफ्ज किया है मैंने, सादा कुरान ले लीजिए, हाँ वो जिसमें हिफ्ज किया उसमें आसानी से मिल जाता है, जी जी वही टैग है, पढ़िए जी, ला तहसबन अल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, पढ़िए उसको जोर से, और आप हर किस मान ना करें इन लोगों को जो कत्ल कर दिए गए अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में, बल्कि वो जिंदा है, बल हाँ अपने रब के यहाँ दिए जा रहे हैं, अब देखो रिस्क दिए जा रहे हैं, वहाँ शऊर नहीं है, यहाँ रिस्क दिए जा रहे हैं, अब रिस्क दिए जा रहे हैं, उसके बाद आगे पढ़िए, खुश हैं वो, खुश हैं अल्लाह ने जो उनको दिया है अपना फजल, और आगे और खुशी महसूस कर रहे हैं उस चीज के साथ, हाँ आगे जो नहीं मिले, हाँ इनको इनके, अब देखिए वहाँ ये था कि तुम शऊर नहीं रखते, अब यहाँ रिस्क दिए जाने, उस मुतशाबे को हमने मोहकम के ऊपर पेश किया, और इसी मोहकम की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि रिस्क कैसे दिया जाता है, बेहतरीन, अल्लाह तबारक तआला ने आपको अच्छा जहन दिया है, मैं बहुत दिली तकलीफ पहुंची है मुझे, यकीन मानिए आप, और आप सब कुछ जान रहे हैं, इतना जीनियस होकर के कोई आम आदमी होता तो हम उसके मुँह ही नहीं लगते, और हम ऐसी बहस करते हैं किसी के साथ, इतना जीनियस होकर के आप कैसे सारी चीज़ मुहकम और मुतशाबे कम से कम देखें, और जब आपने मान लिया कि हम अहादीस मानते हैं तो अब रह गया मसला जो अक्ल से टकराए, तो जो टकराए उसकी तहकीक कीजिए, अगर ज़ईफ निकले रद्द कर दीजिए, हम कहाँ कहते हैं आप माने, कौन बोलता है आपको मानने के लिए, छोड़ दीजिए आप, अजान का टाइम हो रहा, चल कितने मिनट है अभी अजान में, पाँच मिनट, पाँच मिनट ये दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में सामने आ जाएंगे और अरबी से कहेंगे कि हमारे प्यारे बेटे उसकी इत्तेबा करो, जब मस्जिद हाँ हाँ वो असल में वो रिवायत में दे देता हूँ, मुझे याद है पूरी रिवायत, चप्पल में दे देता हूँ